नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड जैसा कि आप सभी को यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम का एडमिट कार्ड आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा और मैं आप लोगों को यूपीपीसीएल टीजी2 एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं दे पाया। थोड़ा सा मेरे तबीयत को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने यहां पे जो वीडियो बना रहा हूं या आप लोगों के सामने आया हूं और बहुत से बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे साथ इस प्रॉब्लम में कमेंट किया, कॉल किया कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है, आपने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना ही कुछ आपका पता चल रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि कम से कम आप लोगों ने याद किया इस घड़ी में। और आज का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम को लेकर है। आपका एग्जाम जैसा कि आप जानते हैं 3 नवंबर से स्टार्ट है और ये 17 नवंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। तो अंतिम दिनों में कैसे हमको तैयारी करना है यूपीपीसीएल टीजी2 891 के लिए, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और अगर आप यहाँ पे अंतिम दिनों में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड चलेंगे तो 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। रही बात यहाँ पे फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको तैयारी करने का जो मेन मोटिवेशन है वो आपके पास जो है टाइम बहुत कम ही बचा हुआ है। और जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि आप लोग जो है कहीं कहीं असमंजस में थे, कोई बच्चे पेट की तैयारी कर रहे थे तो कोई जो है यूपीपीसीएल के सोच के तैयारी कर रहा था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसे में अब आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है। तो देखिए, आप लोगों ने अभी तक तो तैयारी कर ली होगी लेकिन अब आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है। मतलब क्या कि अब आपको रिवीजन करना है, ना कि जो है अब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको रिवीजन करना है, उसके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाना है, ठीक है। टेस्ट आप दीजिए ज्यादा से ज्यादा और जो भी आपको ऐप में या जो भी चैनल पे आपको टेस्ट आपने ज्वाइन किया हो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा। अगर हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते तो अभी तक देखिए फ्रेंड कुछ टेक्निकल की प्रॉब्लम की वजह से 17 टेस्ट ऐड है, मात्र 21 रुपए में है। अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो ऐप में जाइएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये चीजें हो गई। उसके बाद आप लोगों के लिए मैंने हैंड नोट्स लॉन्च किया है। हैंड नोट्स सभी बच्चों के पास होना चाहिए, ये मात्र 101 रुपए का हैंड नोट्स है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम में बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर आप हैंड नोट्स को पढ़ लेते हैं, ये करीब 300 प्लस पेज का है, तो जब इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है कि टॉपिक वाइज मैंने दिया हुआ है, एक एक टॉपिक, जैसे ट्रांसफार्मर आप ले लीजिए, सिंक्रोनस मोटर ले लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पे एक एक चीजों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इल्यूमिनेशन जो प्रदीप्ति है, सभी को टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे बांटा हुआ है। तो हैंड नोट्स ये आप लोगों के लिए अंतिम टाइम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। देखिए, आपने बहुत पैसा खर्च किया, यहाँ पे मात्र 101 रुपए का आपका हैंड नोट्स रहेगा। इसको आप लेते हैं तो एक एक टॉपिक को आप पढ़ पाएंगे। 300 प्लस पेजेस हैं लेकिन जो है इसमें शॉर्ट टाइप्स दिए गए हैं, इसको पढ़ने से आपको मालूम चल जाएगा कि किस टॉपिक में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीजें आपको सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए। तो अंतिम टाइम में बहुत से बच्चों से क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं अंतिम टाइम में और हड़बड़ाहट में तैयारी करते हैं। तो ये टाइम जो है आप लोगों के लिए बहुत ही सोच और समझ के चलना है। बहुत से बच्चे पेट की भी तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा खतरा हो चुका है और अब वो टेंशन में है कि पेट के पेपर की कैसे करें और यूपीपीसीएल का कैसे करें। तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि दोनों साथ में है, लेकिन पेट का 28 और 29 अक्टूबर का है और 3 नवंबर से हमारा यूपीपीसीएल का है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से स्मार्ट तरीके से तैयारी करें और अब आपके पास यही टाइम है। अगर इसमें आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है क्वेश्चन को क्या करिए, मतलब जो है ये सोचिए कि हमको कैसे तैयारी करना है और
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए वहाँ पे कम समय में, और अच्छा एक्यूरेंसी जो है आपके साथ होना चाहिए। ये नहीं कि आप ज़्यादा माइनस मार्किंग में जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्यूरेंसी आपकी बनी होनी चाहिए, तभी आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बढ़ेगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट शिफ्ट मतलब कह सकते हैं तीन से जो स्टार्ट है, तीन हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, ये सभी शिफ्ट में हमको जहां तक जानकारी मिल रही है, या फिर मैं बताना चाहूंगा कि जहां अभी तक जो भी मैंने एनालाइज किया है, पेपर हार्ड ही आएगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाई चांस हो सकता है नॉर्मल आ जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो आप लोग जो है अच्छे से एक्यूरेंसी के साथ काम करिए, जितना क्वेश्चन आ रहा है उसी के हिसाब से अटेम्प्ट करिएगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोगों के लिए हैंड नोट्स जो है ये 100% आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, इसको आप लोग लेकर ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।